वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फॉय। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें नाइट्रोजन की परसेंटेज की तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है। उसके बाद अगर बात करें अदर गैसेस की तो 21% ऑक्सीजन है और बाकी जो 1% में रह जाता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, उसमें अदर गैसेस भी आ जाती हैं जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, एटसेट्रा, जिन गैसेस के बारे में सुना होगा। तो स्टूडेंट्स अदर गैसेस 1% में आती है। तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस ही है, वो 78% एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन गैस किस काम आती है। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन गैस जो है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन देती है प्लांट्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये जो 78% गैस है ये कैसे मेंटेन रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स इसका यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं, इससे न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को और क्या होता है कि वो ग्रो करने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट ये मान सकते हैं कि गैस है जो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में मेंटेन कैसे, 78% कैसे मेंटेन है, ये कम ज़्यादा क्यों नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं होती है इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि एक साइक्लिंग सिस्टम है जिससे वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है, उससे आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक डायग्राम बना करके पूरा एक्सप्लेनेशन फिर फाइनली दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। तो अभी मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस जो है प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल मतलब जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एज ए पार्ट ऑफ वो प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन्स। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, एज ए पार्ट प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। तो आपने इन सभी के बारे में नाम सुना भी होगा, जैसे कि प्रोटीन तो हमें क्या कहाँ से मिलता है, तो फ्रूट्स वगैरह से, इसमें दाल वगैरह से जो पल्सीज होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में सुना होगा, क्लोरोफिल प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। देखिए जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस दैट इज अ प्रोसेस विच आर द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो खाना खुद अपने आप बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्लोरोफिल सनलाइट इन सब की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो क्लोरोफिल भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स क्या है ये, तो ये सभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो बहुत जरूरी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो द नाइट्रोजन कैन नॉट टेक डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है क्या प्लांट्स एनिमल्स जो है उसे डायरेक्टली ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स इन्हें डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ह्यूमंस क्या है कि ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन को वो नहीं ले सकते, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं हमारे लिए, तो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैसे, देखिए कुछ बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इनके डायग्राम मैंने आपसे बनवाए थे, आई होप आपने नोटबुक में नोट किए होंगे। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ और उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, सॉइल में। देखिए फिर से समझिएगा, देखिए कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, जो कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, ठीक है। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, तो उनकी हेल्प कौन कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को क्या है,
फिक्स कर लेते हैं। तो इन सभी गैसेस को फिक्स करके क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वो नाइट्रोजन के अलग कंपाउंड्स में हम देख सकते हैं कि उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। कहां से किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेकर के उसे कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फिक्सेशन क्या होते हैं, तो हम बताएंगे कि भाई नाइट्रोजन गैस को जो फिक्स रखते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं फिक्सेशन। तो ठीक है, तो इन्हें जनरली उनके नेम आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को फिक्स रखते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के लिए। उसके बाद आगे देखिए, नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक कुछ यूजेबल कंपाउंड जो प्लांट्स के लिए चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाती है। दीज कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स। तो इन कंपाउंड्स को कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट्स। कहाँ से मिलता है ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सोइल से मिलता है, सोइल रूट सिस्टम से, ठीक है, थ्रू देयर रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो रूट्स जो प्लांट्स की प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, इसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स को यूटिलाइज कर लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन जो है यूज की जाती है कुछ, क्या सिंथेसिस करते हैं कौन, प्लांट्स इसे प्रोटीन में, ठीक है, और कुछ अदर कंपाउंड्स में क्या है सिंथेसिस करते हैं, उसे बना देता है, ठीक है। एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स एंड गेट द प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो देखिए प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने प्रोटीन को फिक्स कर लिया, ठीक है। प्रोटीन्स को फिक्स करने के बाद क्या होगा, उस प्लांट्स को कौन खाएगा, उसको खाएंगे एनिमल्स। तो एनिमल्स अगर खाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन उनको क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो देखिए जो प्लांट्स ने नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाए हैं, जो प्रोटीन बनाया है, ठीक है, वो उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और उस प्लांट को खाने वाला कौन है, एनिमल्स। तो एनिमल जैसे उसे कंज्यूम करेगा तो वो सभी कंपाउंड्स और वो जो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है वो एनिमल की बॉडी में चला जाएगा, उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो क्या होगा, बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट इनटू नाइट्रस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजियस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बात करिए अभी, फंजाई की और उसके साथ साथ बात की थी बैक्टीरिया की, वो जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो जो है जो डाई एनिमल्स हैं, जो मर चुके एनिमल्स, जो प्लांट्स डाई हो चुके हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उनके अंदर जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जितने भी सब कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सभी किस में चले गए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चले जाते हैं, उन बैक्टीरिया और फंजाई में चले जाते हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, और जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग प्लांट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो मतलब वो क्या है कि दोबारा रिसाइकलिंग जो है शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा, सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द, तो व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया, ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है, वेस्ट को कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे और प्लांट्स अगेन उसे यूज कर सकता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या है कि वो नाइट्रोजन गैस दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे ताकि और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, एक बार तो पॉइंट्स को समझ लीजिए, इसके बाद डायग्राम समझाते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली रिजल्ट क्या होगा, फाइनली रिजल्ट ये होगा, एज द रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कॉन्स्टेंट। इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि भाई नाइट्रोजन का जो मतलब जो एटमॉस्फेयर से लिया था प्लांट्स ने, उसने फिर कन्वर्ट हुआ कंपाउंड्स में, फिर से फाइनली कन्वर्ट होता होता दोबारा नाइट्रोजन, उतना का उतना परसेंटेज जो है वो रह जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एज ए कॉन्स्टेंट हम उसे कहते हैं कि भाई नाइट्रोजन जो है वो कॉन्स्टेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट, मतलब जो साइक्लिंग जो है उसे कॉन्स्टेंट, उसका जो परसेंटेज है वो कॉन्स्टेंट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारे कुछ पॉइंट्स, इसके बाद हम इसके डायग्राम को समझते हैं। अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो कि अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल कुछ पॉइंट्स स्टडी किए हैं, तो
तो उनको मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है? आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहीं से, ठीक है? जैसे कि हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है नाइट्रोजन साइकिल का ये था कि एटमोसफियर में 78% नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है। अब ये कैसे मेंटेन रहता है हमें ये समझना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एटमोसफेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होता है N2, ठीक है, इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को या दो एरो से नीचे की तरफ किया हुआ, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, सॉइल में, ठीक है, जो इन्हें फिक्स कर लेते हैं। तो एटमोसफेयर की नाइट्रोजन को सबसे पहले फिक्स किसने किया प्लांट्स के लिए, वो फिक्स किया बैक्टीरिया ने और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो दोनों ने क्या कर दिया, इसे नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, ठीक है। और इधर से नाइट्रोजन को देखिए लाइटनिंग के थ्रू भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लाइटनिंग के थ्रू कन्वर्ट कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देती है, लाइट जो है, ठीक है, सनलाइट की बात करें तो इसे डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देती है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो, उसके अंदर सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो नाइट्रोजन को फिक्स किया था बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, उसको कन्वर्ट वो फिर फाइनली किसमें चले जाते हैं, बैक्टीरिया इन द टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रस कंपाउंड। तो ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करके उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये कंपाउंड्स कहाँ पर चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। तो सॉइल में जब नाइट्रोजन के कंपाउंड पहुंच जाते हैं तो उसके बाद होता क्या स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं इनको प्लांट्स जो है अपटेक कर लेता है। तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको अपटेक कौन करता है, उनको प्लांट्स अपटेक कर लेता है, ठीक है। और इस प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स ईट द प्लांट्स, इन प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, इन्हें खा लेते हैं। तो एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं, तो देखिएगा नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड द डेथ, तो एनिमल्स के मरने पर या फिर उनके एक्सक्रीशंस कहाँ पर जाते हैं, जमीन पर ही गिरेंगे, ठीक है। तो जमीन पर क्या है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अपने आप ही फिर डिकम्पोज होकर के किसमें, मतलब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे कि पिछली लाइन में हमने पढ़ा था, पिछले जो आपको भी इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा था तब मैंने बताया था कि इनके एक्सक्रीशन या फिर इनकी डेथ होने पर ये सॉइल के अंदर फिर से फिक्स हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो सॉइल के अंदर फिर से फिक्स हुए हैं इसका कुछ एक परसेंट कई बार जो है वो गैसियस नाइट्रोजन में भी चला जाता है, ठीक है, वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली ये जितना का सब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये फाइनली जो है वो आपको एरो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब वो नाइट्रोजन गैस गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये सिस्टम जो ये कंपाउंड्स अगर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो गैस कहाँ जाएगी, ये फिर से दोबारा एटमोसफियर में पहुँच जाती है। तो इस तरह से ये पूरा नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है, वो सारा रिसाइकिल होकर के दोबारा उतना ही परसेंटेज मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।